तो आज हम लोग निकल रहे हैं धनौल्टी के लिए, और आज का दिन है शनिवार और तारीख है 22 जनवरी 2022। और धनौल्टी का अचानक ये टूर बना है, मैं विनेश चतुर्वेदी बोल रहा हूँ और साथ में है बुलबुल सृष्टि, और इधर ड्राइव कर रहे हैं आशुतोष हमारे दामाद, और यहाँ खा रही हैं लगातार कुमुद मेरी पत्नी मेरी श्रीमती लगातार खा रही हैं। और देखिए ये कितना खूबसूरत मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो नहीं रही है पर हो जाएगी जल्दी। और मैं अपना भी परिचय दे दूं कि मेरा नाम है विनयशील चतुर्वेदी, और ये चल रहे हैं हमारे साथ हमारे पापा मिस्टर विनयशील चतुर्वेदी, अपनी श्रीमती कुमुदलता चतुर्वेदी के साथ। बारिश शुरू हो गई है, बहुत खूबसूरत मौसम बन गया है, और हमारी बिटिया बुलबुल बार बार विंडो खोल खोल करके और उसके हवा का आनंद ले रही है। देखिए सरसराती हुई हवा की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। हमारा फर्स्ट स्टे मैकडीज में है, और उसके बाद यहाँ से हम लोग कॉफ़ी लेंगे, और कॉफ़ी लेने के बाद हम लोग हल्दीराम में जा करके कुछ लाइट फूड लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए धनौल्टी के लिए निकल पड़ेंगे। बहुत खूबसूरत व्यू बनाया हुआ है यहाँ पर विलेज का, ऊपर देखिए आप ये देखिए देखेंगे तो बहुत सुंदर, इधर पॉटरीज रखे हुए है ना, और यहाँ पर भी हम लोग वे थ्रू ऑर्डर करेंगे कि आगे हमारे हमारी कार। इधर देखिए रेहट चलता हुआ, चरखा रखा हुआ है, ब्यूटिफुल प्लेस टू सिट, बहुत सुंदर। देखिए देखिए आप लोग यहाँ पर हल्दीराम कहाँ है जो ये देखना है, ये रहा हल्दीराम, यहाँ से एंट्री ले रहा हूँ, और ये मैकडीज का थोड़ा बोर्ड देख रहे हैं हमने, पता नहीं क्या बिल वन करवा रहा क्या। और इधर नमस्कार सर, नमस्कार जी, हाँ इंतजार कर रही है इंतजार कर रही है। चलिए ये पहुँचे हैं हमारी, खाई जा रही खाई जा रही खाई जा रही, चाय का नुक्कड़, चाय की तैयारी। श्रीमती चौहान
के नुक्कड़ पे चाय लेने की तैयारी कर देंगे और इनका वीडियो ये तैयार हो गया है। चल पकड़ो, चल जाओ भाई पकड़ो, आओ भाई बुलबुल तुम्हारा वीडियो बन रहा है। रात के 7:17 हो रहे हैं और हम लोग अब देहरादून क्रॉस करके मसूरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी और अब अगला वीडियो में जाकर के मसूरी में बनाऊंगा मार रोड पर। मसूरी 15 किलोमीटर आप देख रहे होंगे यहाँ पर है और हम लोग पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। बीच में जगह आई है कोई, ये है चेक पोस्ट मसूरी देहरादून। तो हम लोगों को लगाना है मास्क। अरे वो किस खाने के लिए कर रहे हो? मेरा महबूब बोलो स्टार्टिंग की ट्यून थी ना कोई एक और गाने की भी ऐसी मम्मी की शादी की सीटी में ये गाना एंट्री पे मसूरी केमाल रोड से फुर्सत पाकर के अब हम लोग निकल रहे हैं धनौल्टी के लिए। वहाँ जा कर के रात को आराम करेंगे, सोएंगे, फिर सुबह हम लोग निकलेंगे। कौन सा देवी है? सुरकंडा देवी। वहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वापस दिल्ली की ओर चलेंगे, रवाना होंगे। धनौल्टी के सुबह सुबह के इस मंजर को मैंने अपने हाथ से जाने देना उचित नहीं समझा है। अभी बहुत सुंदर वातावरण है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा बह रही है
और पहाड़ की ऊंचाइयों पर बर्फ के ये छोटे 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 टुकड़े ढकी हुई ऊपरी सतह आपको साफ साफ दिख रही होगी। बहुत खूबसूरत माहौल है, साथ साथ ये लगी हुई टंटनाती हुई घंटियां इसको और खूबसूरत बना रही है। नीचे का दृश्य दिखाना आपको चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत दृश्य, आनंद आ रहा है। धीरे धीरे बादल चल रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो ये बादल आपको चलते हुए दिख जाएंगे। अब धनौल्टी की पहाड़ियां बादलों में गिर गई हैं और दूर शायद कहीं स्नोफॉल हो रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ स्नोफॉल हुआ है। और मैं शायद देखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं स्नोफॉल यहाँ भी तो नहीं हो रहा है, नहीं यहाँ तो नहीं हो रहा है। आज 23 जनवरी 2022, बहुत खूबसूरत मौसम है धनौल्टी का। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको सुबह सुबह का मंज़र दिखाया था और अब मैं करीब इस समय हो रहे हैं 10 बजे सुबह का, जबकि बादलों ने पहाड़ियों को अपने आगोश में ले लिया है। मैं इस नज़ारे को भी कैप्चर कर रहा हूँ, ऊपर आपको गाड़ी आती जाती दिखाई दे रही है और हमारी श्रीमती जी यहाँ एकदम तैयार हैं और इस कमरे में हमारे बच्चे हैं। अब मैं उनको भी करने जा रहा हूँ। नीचे बादल गिरे पड़े हैं, बादल ऊपर की तरफ हमारे पास आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बादलों के बीच गिरे पड़े हैं। हम उस गांव में जाएंगे, वो गांव दिख रहा है, हम अब नीचे उतर करके गांव में जाएंगे। मांडा गांव है ये, मांडा गांव है धनौल्टी में, जो भी है क्या मतलब चुप रहो, किसी को क्या पता। बहुत ठंडी हवा चल रही है, सुर 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 कर रही है, हवा तुम्हारे बालों को उड़ा रही है, खुशबू लुटा दे। कोई वीडियो ना लो, नहीं वीडियो नहीं पापा, बना रहा हूँ बेटा। होटल ली मस्तराना इन, इसी होटल में हम लोग रुके हुए हैं और अब हम लोग ऊपर धनौल्टी की तरफ, जहाँ की ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि स्नोफॉल है, हम लोग वहाँ जाएंगे। एंड दो पराठे कर, चार पराठे आलू प्याज के, इधर अच्छा लग रहा है, आ जा बेटा फोटो खिंचवा दे, ग्लव्स एक कॉफी, हम उधर ही बैठेंगे, बाहर ही बैठेंगे। जो सुबह हमने देखा था पहाड़ियाँ जो दिखाई दे रही थी वो क्लाउड में पूरी तरह से गिर चुकी है और ये भी यहाँ भी स्थिति नहीं कि हम लोग बैठ करके वो कर सकें। आइए आशुतोष जी, आप भी आ जाइए। और तो फॉल हो रहा है हमारी बिटिया के हाथों पर, ये देखिए इनके बालों पर छोटे छोटे, हाँ वो जी आप ही सुने लो, हाँ स्नो फॉल हो रहा है।
बहुत तेज फॉल है, तेज तो नहीं था, देखो देखो वाइट वाइट कम नहीं है। बोले बात फिर आ जा बेटा आ जा, जाओ ना अंदर जाओ, उधर जाओ, देखिए ये फॉल है, ये बर्फ के, हाँ ये बर्फ तो अपने सिर पे देखिए बर्फ डार्क में दिखता है, पीछे डार्क हुआ देखिए। हवा हवा ए हवा मुझे कुछ नहीं लगा रहा है, मम्मी डांस करो, हवा हवा ए हवा मुझे को गिरा दे। ओहो क्या फॉल है कुमुद, यहाँ करो डांस, देखो क्या फॉल है, देखो 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 मेरे ऊपर डांस है, मेरे ऊपर देखो, मेरे ऊपर देखो फॉल, देख ये देख मेरा, मेरे फॉल का बोल, मेरे फॉल का लो फोटो, मैंने पॉज किया हुआ है, नहीं पॉज नहीं है, देख मेरे फॉल को, ये देखो इस पे लग, ये दिखा रहे हैं, बैठने को तैयार बैठी है, डांस करो मम्मी, डांस करो पापा के साथ, ये मौस जाओ कुमुद, इस बर्फ के लिए ये लोग नहा कर रहे हैं, या मैं तो नहीं निकलूंगा, मुझे पता है वो भी कपड़े तो नहीं, ये स्नो देखिए, सुनो अरे जब लगी नहीं थी मैं सिनोवा के पीछे लगा रहा हूँ, कुमुद देखिए ये स्नो फॉल है, आप लोग देखिए ये स्नो फॉल है, इधर देखो इधर मुंह देखो, बना रहा हूँ वीडियो, हाँ हाँ मेरे बेटे मेरा बना, मेरा बना, मेरा बना बोलो, घुमा ले घुमा ले, हाँ ये देखिए स्नो, क्या बात है, ब्यूटीफुल सीन, ओहो बोलो बोलो, ओह व्हाट अ स्नो, देखिए स्नोफॉल धीरे 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 तो पड़ता जा रहा है, वो गए गाड़ी खड़ी करके, ग्लव्स पहन के आइए, ग्लव्स ग्लव्स जरूरत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं देख लिया ना, मैंने लाइफ में पहली बार स्नो देखा है, फॉल देखा है, है मैंने भी पहली बार इस लेवल का, मैंने पहली बार देखा, हो गया काम, इधर देखो वो तो बाल पे कितने दिख रहे हैं, डांस करेंगे मम्मी और मैं, क्या मम्मी इतनी सॉरी फॉर, ये देखने तो जाना था आगे, यही देखने जाना था, देख लिया बर्फ तो बहुत देखी, मम्मी मम्मी क्या बर्फ है यार, ओहो क्या फॉल है, पापा ऊपर, पापा बंद करिए ऊपर मुंह करिए, एंजॉय भी करिए, नहीं यार एंजॉय तो सब देखिए, वाह ऊपर खा रही है बर्फ, फूलों का लेता हुआ आते हुए बहुत
शुरू हो करके मम्मी पापा तक जाती और है। मम्मी पापा मॉम तक जाती है और ये शानदार हॉल चल रहा है। अभी गाड़ियाँ वापसी होने लगी। आशुतोष ये देखिए गाड़ियों की हालत, ये देखिए हॉल से ये कुछ लिखा जा रहा है, कुमुद भी लिखने की कोशिश कर रही है, कोकी लिखेंगे जरूर, SUNNYKOKI कोकी ये है कोका। चले कि जाम में भी टाइम लगेगा। अब स्नोफॉल कुछ हल्की हो गई है। अरे मोबाइल पर हिल जाएगा। पर देखिए चारों तरफ पानी बर्फ से ढके हुए पेड़ पहाड़ और ये गाड़ियों की लंबी कतार, यही इस खूबसूरती है इस धनौल्टी की। और धीरे धीरे लटकती लटकती सी लटकती सी मोटी मोटी इनको फॉल दिख रहा होगा। देखिए इनके सिर के ऊपर बुलबुल के इफेक्ट दिखाई दे रहा है। मेरे पास थी ना 4C ये कुमुद के सिर पर देखिए। नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे। आप तुम नाम मत ले लेना। दो तीन साल तुम नाम धनौल्टी से बहुत खूबसूरत बहुत शानदार स्नोफॉल का नज़ारा करने के बाद अब मैं कुमुद मैं विनयशील चतुर्वेदी कुमुद और बुलबुल जो इधर देखो बेटा हाँ और आशुतोष जो कार ड्राइव कर रहे हैं मास्टर ड्राइवर, हम सब लोग दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। और अभी भी देखिए आप बुलबुल इस पार करिए बेटा, स्नोफॉल दिखाइए यहाँ से आगे गाड़ी के आगे कर दो। ये सब आपको स्नोफॉल देखने का मौका मिल रहा है। देखिए गाड़ी के अंदर से गाड़ी के बाहर का स्नोफॉल खोल दो खिड़की तरफ। और ये हैं पापा और मम्मी जो फुल स्नोफॉल को एंजॉय करते हुए गाड़ी में बैठे हैं और खूब एंजॉय किए। ये है आशु जिनको बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। ये देखिए कितनी मोटी है, क्या मोटी बर्फ। अरे बाप रे,
गिर रहा है आसमान से स्नोफॉल, बहुत खूबसूरत स्नोफॉल। टॉवल निकाल के दूं? देखिए क्या खूबसूरत फॉल। अरे अंदर तक फॉल आ रही है, अंदर तक स्नो आ रही है। मोटी है मम्मा, मोटी, बहुत मोटी, बहुत मोटी। देखिए स्नोफॉल को अंदर तक, कार के अंदर तक आ रहा है। बस गीले हो जाएंगे, कार भी गीली हो जाएगी। हो जाएगी कार गीली, कोई बात नहीं, स्नो बार बार नहीं मिलता है। क्या बहुत खूबसूरत फॉल मिला है आज। आना आना सफल हो गया आशुतोष, बुलबुल आना सफल हो गया ना, पेनल्टी है कुकी। देखना पापा जी, ये जम गया सारा शीशा, ये देखो। ग्लास के ऊपर जमा हुआ बॉल, क्या आ रहा है भाई, कमाल है, कमाल है। कार के अंदर तक मेरी श्रीमती जी को भिगो रहा है और ये मेरे गाल का सत्यानाश कर रही है। आपके मजा आ रहा है तो। अरे इस बॉल की ना कोई वो नहीं है, पहले पीछे से आ रहा था, अब आगे से आगे से आ रहा है। हाँ देखो नो 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 लगी बाबू, लगे ना, लगी है नहीं, नहीं लगी है, नाखून लग गया, कुछ नहीं लगी, लगी है ऐसे हो रहा है। साफ कर रहे थे। कह रहे मुझे लेके जानी है। बहुत तेज फॉल है और साथ में जाम लगा हुआ है कारों का निश्चित तौर पे। कुमत कुछ खाना चाय पी के चल रही है वहीं पे? नहीं चाय तो भेजेगा भाई, चाय पी कॉफी पी जाएगी क्या? लीमो सराना पे हाँ कॉफी पी जाएगी, चाय पियेगी हमारी श्रीमती जी, मैं कॉफी पीऊंगा। देखिए जहाँ कहीं देखिए पूरे रास्ते का आप नजारा लेते चलिए। किस साइड से, कोई साइड ही नहीं है, कभी इधर से आ रही कभी उधर से आ रही। इससे पहले कि कोकी बह जाए कैमरा हटा दूं। क्या ना देखो मुंह के ऊपर कार के अंदर आना सीधा किले पलायन को मजबूर है ना। ये सुनो देखिए श्रीमती जी के इस पे पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ तक अंदर तक आ रहा है कार में, हाथ से रोकने की कोशिश कर रही है पर हाथ से रुकेगा नहीं, ये अंदर तक आके ही मारेगा। देखिए नीचे कितना खूबसूरत है और सामने पूरे बर्फ से ढक गई है पहाड़ी। आया नेटवर्क मेरा, वो बंद कर दिया क्या वहां से, लॉक कर दिया खिड़की बेटा। दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पर कहीं, जो बात जगह है कहीं भी नहीं, जो बात जगह है कहीं भी नहीं। ये गाना लगाओ घर के अंदर, देखिए आते हुए सामने देखिए स्नोफॉल से कहेंगे। एक मैगी लेके आऊं? नहीं, इस यहां की गंदी जगह ना लीजिए।
जाती है बर्फ की तरह। अब हम लोग ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ बर्फ बारिश में तब्दील हो गई लगती है। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गए। वो सामने आपको वो भी दिखाई दे रहा होगा रेस्टोरेंट और हमारा होटल जहाँ से बोलो जैसे हटाइए बेटा। ए हाँ देखिए आपको मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। पता नहीं कहाँ खो गया जी रेड चिली। वहाँ पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर फिर हम लोग एक कप चाय लेंगे। आगे हम लोग ऐसी जगह पर चाय और अपनी थोड़ी जो ये आगे आगे और थोड़ा सा और आगे है ये जगह आई कब रब रुकना है वो रेड साहब को दिखाई दे रहा होगा। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। नहीं भाई इतनी हवा खराब हो रही है हमें बारिश भी भेजेंगे नहीं वजन ज्यादा। लेकिन ऐसी क्या आफत की नहीं ये करना है वही तो मैंने से बोला एडवेंचर। इस समय बर्फ पड़ रही है फिर से पड़ गई। देखिए दो बच्चे इसको क्या बोलते हैं यार उसके यहाँ था राजीव के यहाँ था पहले। इतनी आफत क्या है कि बारिश में करो बारिश वही तो मैं कहूँ क्यों कर रहे हो भाई बारिश स्नोफॉल इसमें बारिश मिली हुई है स्नोफॉल में। गुरखा बोलो गुरखा ले लेंगे आप सुबह के बाद हैवी स्नोफॉल और बारिश के बाद बहुत देर बाद ये धुली धुली सी खूबसूरत पहाड़ियाँ धनोल्टी देखो सामने पहाड़ियाँ और ये सारे छोटे छोटे गांव भी अब साफ साफ दिखने लगे। देखो सामने पहाड़ वरना वाइट सामने देखो सुबह क्लियर मौसम था उसके बाद फॉग हैवी फॉग जेड स्मोक फॉग इसके बाद ऊपर पहाड़ियाँ देखे ये है ऊपर पहाड़ियाँ जो बर्फ से ढकी हुई हैं। सोफा कर के आए हैं देखो ये बादल ये होटल बादल कितना अच्छा लग रहा है ठंडी ठंडी हवा आ रही है ठंडी हवा बहुत समय के बाद इतना क्लियर मौसम अब साफ दिखाई दे रहा है। बारिश शुरू हो गई फिर दोबारा इसलिए अब मैं बंद करो मैं वीडियो को बंद करता हूँ। ये मेरे कुकू लड्डू लग रही हो गोली गोली लड्डू खूबसूरत बनाया है भाई। आप चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ।
कुमुद जी ये खुशबू लीजिए इन फूलों का। देखो ये सीजनल फूल है बुलबुल। बिट्टू बिट्टू अरे आओ भाई। तो हरी भी रात रानी ऐसे नहीं होती, कोई रात रानी, सब सीजनल फ्लावर है। ये तो वो बना बना कर लगा दिए यहाँ पर बुके। बुके ये लेकिन पापा नकली फ्लावर्स हैं। नकली नहीं है, नकली नहीं है। पहले से ठीक लग रहा है।